जैसे कि स्थिति आप देख सकते हैं आज बाजार की क्या स्थिति रही है सारा दिन में। और हम निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं दोस्तों। आज आपको पता है एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, और आपको पता ही है एक्सपायरी पे एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों। आज एक नई स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आपको। इस स्ट्रेटजी में आपको मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आज एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। आज इस स्ट्रेटजी मैंने खुद लागू करके देखी है, तो आपको ये बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंट ड्रॉ करते हैं, और स्पॉट हमारा ये था, ठीक है। लगा देते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक एग्जैक्ट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पैटर्न में। सबसे पहले तो जो मैंने आज ट्रेड बनाई है दोस्तों, एग्जैक्ट हमारे यहाँ पर एक एम पैटर्न बनता हुआ, समझ सकते हैं दोस्तों इस पैटर्न को आप। यही तो प्रैक्टिस करना होता है, यही तो प्रैक्टिस करना होता है दोस्तों हमें, कि प्रैक्टिस इतनी कीजिए, प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आप अपने बिजनेस में आप जिस चीज़ में प्रैक्टिस करते इतने माहिर हो जाइए कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। एम पैटर्न बना, यहाँ से दोस्तों इसकी ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते ही हमें क्या था, हमें एंट्री करनी थी, और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए था, बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर का दोस्तों। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया बाजार के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट था, और यहाँ से हमने बिल्कुल इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस डाल के, हल्का सा स्टॉप लॉस डाल के दोस्तों, और एंट्री बना दी थी। पीसीआर आपको पता ही है कंटिन्यू घटता ही जा रहा था, और जैसे ही पीसीआर घटता कि चला गया, हम अपनी ट्रेड को होल्ड करते चले गए दोस्तों, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस से आप प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। इतना अच्छा मूवमेंट कहीं भी एंट्री कर लेते यार, हायर लोज लोज हायर 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 लोज, कहीं भी एंट्री कर लो यार, कहीं भी कहीं का स्टॉप लॉस डाल दो, बाजार को आना तो नीचे ही था दोस्तों, ठीक है। तो अब स्थिति क्या रही, क्या नई स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ यहाँ से, ओके। तो अब स्थिति क्या बनी हुई है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन के अंदर हम चले जाते हैं, और सपोज करो अब हमारी जो एक्सपायरी वो 5 अक्टूबर की है, और हमें क्या करना है दोस्तों एक्सपायरी पे, ठीक है। जैसे ये एक 52 का है, आप देख सकते हैं 19,750 की कॉल को सेल करना है, और 19,800 को बाई करना है। तो दो और तीन, तीन तो 13 पॉइंट दोस्तों हमें मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ से 13 गुना 100 क्वांटिटी उठा के चलेंगे, तो दोस्तों हमें 1300 का प्रॉफिट होएगा। लॉस भी हमें 1300 तक का लेके ही चलना है। अगर हम प्रॉफिट 1300 तक का ले रहे हैं, तो हमें लॉस भी 1300। तो 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में हमें काम करना है दोस्तों। स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई या नहीं समझ आई, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं एक अच्छे तरीके से इसकी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि दोस्तों मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। जिस दिन पक्का हो जाऊँगा दोस्तों आपको बता दूंगा, और सीख सकते हैं आप मेरे से। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मेरे से सीख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से एक एम पैटर्न बना, और हमारे विदाउट ट्रेड कंफर्मेशन आप जिसमें गए हम, और एक अच्छा प्रॉफिट लेके दोस्तों हम बाहर निकले हैं। तो इस प्रकार से आप लॉस में बच सकते हो दोस्तों। सीख लीजिए, पहले सीख के ही कीजिएगा। दैट्स फॉर ऑल द डे। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए दोस्तों मुझे भी। थैंक यू।